सो ही गाइस कि आप लोग भाई कुछ इस टाइप से भाई आप लोग अपने फेस को भाई स्मूथ करना चाहते हैं, अगर भाई आप लोग कुछ इस टाइप से भाई अपने फेस को आप लोग स्मूथ करना चाहते हैं ना, तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है जिसको भाई ऐसा फेस स्मूथ सीखना है ना, बस भाई वही इसी वीडियो को आज करेंगे। गाइस ऐसे फेस स्मूथ आप लोग भाई करेंगे ना, तो गाइस आप लोग का भाई फेस जो मतलब भाई स्मूथिंग नहीं होता होगा, एंड गाइस आप लोग भाई अपने फेस को मतलब भाई मेरे जैसे कुछ इस टाइप से भाई फेस को अपने आप लोग स्मूथ नहीं कर पाते होंगे, एंड गाइस आप लोग भाई मेरे जैसे अपने फेस को ना मतलब भाई वाइट भी नहीं कर पाते होंगे, एंड गाइस आप लोग फोटो एडिटिंग भी नहीं कर पाते होंगे। तो गाइस अगर भाई आप लोग भाई इस वीडियो को फुलास कर लोगे ना, तो गाइस आप लोग 100% भाई आप लोग ऐसा फेस को अपने स्मूथ करना, एंड गाइस फोटो को मतलब भाई अपने एडिटिंग करना आप लोग सीख जाएंगे। सो गाइस ऐसा भाई फेस को वाइट करना, गाइस फेस को स्मूथ करना ना आप लोग को मतलब भाई बहुत लोग बताएंगे, एंड गाइस बहुत लोग बताते हैं ना, तो गाइस आप लोग को भाई कोई रियल तरीका नहीं बताता है। तो गाइस अगर भाई आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करोगे ना, तो गाइस मैं आप लोग को 100% भाई दूंगा रियल तरीका, एंड गाइस रियल ट्रिक। सो गाइस अपने फेस को आप लोग को कैसे स्मूथ करेंगे, एंड गाइस कैसे वाइट करेंगे। सो गाइस ऐसा फेस को अपने स्मूथिंग करना, सो गाइस वाइट करना ना आप लोग को मतलब भाई करने के लिए सिंपल सा कुछ करना नहीं है, एंड गाइस मैं चलता हूँ अपने गैलरी में। सो गाइस गैलरी में आने के बाद ना हमारा फोटो मतलब भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई कितना अच्छा फोटो मतलब भाई मैं किया एडिटिंग। सो गाइस ऐसा एडिटिंग आप लोग को करने के लिए ना भाई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सो गाइस मैं सिंपल सा लेता हूँ अपना ओरिजिनल फोटो, तो गाइस मैं यहाँ से अपना लेता हूँ भाई ओरिजिनल फोटो। गाइस मैं यहाँ से ना सिंपल सा अपना भाई लेता हूँ ओरिजिनल फोटो, एंड गाइस मेरा मतलब भाई आप लोग फोटो देख सकते हो ओरिजिनल फोटो। तो गाइस मेरा ओरिजिनल फोटो कितना मतलब भाई ब्लैक है, एंड गाइस कितना ख़राब है। सो गाइस मैं इस फोटो मतलब भाई कुछ इस टाइप से मतलब भाई एडिटिंग किया हूँ, गाइस आप लोग देख सकते हो मतलब भाई कितना खतरनाक फोटो मैं एडिटिंग किया हूँ। एंड गाइस ऐसा फोटो को अपने एडिटिंग करने के लिए ना सिंपल सा मैं लेता हूँ फोटो अपना ओरिजिनल, एंड गाइस उस फोटो को मतलब भाई जिस फोटो को आपको करना एडिटिंग ना आपको भाई उस फोटो को लेके, एंड गाइस उसको सेंड करना भाई स्केचबुक में। सो गाइस स्केचबुक में जैसे आप लोग सेंड करेंगे, गाइस आप लोग का जो फोटो रहेगा वो भाई स्केचबुक में सेंड हो जाएगा। एंड गाइस फोटो सेंड होने के बाद ना हम लोग को भाई फोटो को सेंड कर लेना, एंड गाइस फोटो सेंड होने के बाद आप लोग का भाई फोटो कुछ इस टाइप से मतलब भाई शो करेगा, एंड गाइस इस टाइप मतलब भाई फोटो शो होने के बाद ना हम लोग को भाई करना है कट, एंड गाइस कट करने के बाद हम लोग को भाई यहाँ से क्लिक करना है कलर पे, एंड गाइस कलर पे आके आपको भाई कलर रखना है वाइट, एंड गाइस आपको डबल लेयर करके मतलब भाई इसको रखना है सॉफ्ट लाइट। सो गाइस यहाँ से मैं इसको सॉफ्ट लाइट रख लें, गाइस सॉफ्ट लाइट रखने के बाद ना आप लोग को भाई लेना ब्रश। सो गाइस आपको मतलब भाई यहाँ से ब्रश लेने के बाद, मैं यहाँ से भाई नीचे आने के बाद आप लोग को भाई लेना ये ब्रश। सो गाइस आपको मतलब भाई इस ब्रश को मतलब भाई यूज़ करके ना आप लोग भाई अपने फेस को जो मतलब भाई वाइट कर सकते हैं। सो गाइस इसको लेने के बाद ना हम लोग को भाई करना है कट, एंड गाइस आपको मतलब भाई अपने फेस को वाइट करने के लिए ना आपको अपने फेस मतलब भाई जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे ऐसे ना, तो गाइस आप लोग का जो फेस मतलब भाई वाइट होना शुरू हो जाएगा, मतलब भाई वाइट होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस आप लोग भाई देख सकते हो मैं कितना अच्छे से अपने फेस को वाइट कर रहा हूँ। सो गाइस आप लोग के सामने मतलब भाई लाइव प्रूफ भाई मैं इस टाइप से भाई अपने फेस को स्मूथ कर रहा हूँ, एंड गाइस फेस वाइट किया हूँ। सो गाइस सॉरी गाइस मैं अपने फेस को मतलब भाई वाइट करना सिखाऊँ आप लोग को। सो गाइस ऐसे अपने फेस को जो मतलब भाई आप लोग वाइट करके ना आप लोग भाई अपने फोटो का एडिटिंग करेंगे, गाइस आप लोग का जो फोटो रहेगा वो मतलब भाई अच्छा लगेगा भाई देखने में। सो गाइस इतना होने के बाद आप लोग को मतलब भाई अपने बाल पर भी अप्लाई कर लेना है। सो गाइस इतना होने के बाद मैं अपने मतलब भाई फोटो को मतलब भाई अपने फेस को गोरा कर लेंगे। गाइस फेस गोरा होने के बाद आप लोग भाई देख सकते हो मतलब भाई मेरा मतलब भाई हाथ जो है वो कितना मतलब भाई गोरा हो रहा है। सो गाइस इतना हाथ मेरा गोरा होने के बाद अगर भाई आप लोग चाहते हो कि मतलब भाई मैं अपने बैकग्राउंड लाइट ला लूँ, सो गाइस अपने मतलब भाई बैकग्राउंड लाइट लाने के लिए ना आपको भाई पूरा अप्लाई करना है इसको ऐसे। तो गाइस अगर भाई आप लोग अप्लाई करेंगे ऐसे ना, तो गाइस आप लोग का जो बैकग्राउंड रहेगा, सो गाइस अपने बैकग्राउंड पे आप लोग लाइट लाएंगे ना, तो गाइस आप लोग का भाई फोटो कुछ अच्छा लगेगा भाई देखने में, गाइस आप लोग का फेस भी वाइट हो जाएगा। सो गाइस ऐसे भाई आपको ना भाई पूरे बैकग्राउंड पे अप्लाई करके गाइस आपको पूरा बैकग्राउंड वाइट कर लेना है। सो गाइस इतना वाइट होने के बाद आप लोग को भाई अपने फोटो की एडिटिंग करने के लिए सिंपल सा करना है फोटो को सेव। सो गाइस फोटो को गैलरी में सेव होने के बाद ना मैं इसको सेंड करूँगा भाई अब यहाँ से इसको स्नैपशीट में। सो गाइस मैं फोटो को सेव करने के बाद भाई इसको सेंड करता हूँ स्नैपशीट में। सो गाइस मैं जैसे भाई इस फोटो को सेंड करूँगा स्नैपशीट में ना, तो गाइस मेरा फोटो यहाँ से सेंड होगा स्नैपशीट में। तो गाइस फोटो सेंड होने के बाद ना स्नैपशीट में भाई नीचे आपको मिलेगा टूल्स का आइकन, एंड गाइस टूल्स पे क्लिक करके आपको भाई नीचे यहाँ से मिलेगा भाई यहाँ से HDR। तो गाइस आपको मतलब भाई इस पर क्लिक करने के बाद भाई आपको जो फोटो रहेगा भाई वो मतलब भाई हो जाएगा HDR तरीके से। सो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद ना भाई आपको यहाँ से करना है प्लस। सो गाइस इतना प्लस कर लेना आपको मतलब भाई पूरा हाई करके मतलब भाई पूरा प्लस करना है। गाइस इतना प्लस होने के बाद आप लोग करना है डन, एंड गाइस डन होने के बाद भाई फिर से क्लिक करना है टूल्स पे, एंड गाइस टूल्स पे आके आपको भाई क्लिक करना है यहाँ से ट्यून इमेज पे। एंड गाइस आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करके आप लोग को मतलब यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोग भाई इसको करना मैनेज। तो गाइस मैं यहाँ से मतलब भाई इसको कर लिया हूँ मैंने, एंड गाइस मैनेज मेरा होने के बाद आप लोग भाई देख सकते हो कितना अच्छा मेरा फोटो मतलब भाई बन रहा है।
एंड गाइस मैं यहाँ से पूरा मतलब भाई इसको प्लस करके एंड गाइस मैं यहाँ से करता हूँ डन। सो गाइस डन करने के बाद ना मैं यहाँ से इसको कर लिया हूँ डन। एंड गाइस डन करने के बाद आप लोग को भाई यहाँ से अपने पी एस सी मतलब भाई इसको रिमूव कर लेना। एंड गाइस रिमूव होने के बाद आप लोग को भाई अभी इस फोटो को ना सेंड करना भाई यहाँ से लाइट रूम में। सो गाइस मैं सिंपल सा भाई इस फोटो को इतना होने के बाद मैं भाई मैं सेंड करता हूँ लाइट रूम में। सो गाइस मेरा फोटो यहाँ से लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन सेंड हो जाएगा। तो गाइस आप लोग भी कर लेंगे लाइट रूम में सेंड। तो गाइस मैं यहाँ से ना इसको लाइट रूम में सेंड कर लिया। गाइस मेरा फोटो सेंड हो चुका है लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन में। सो गाइस जैसे मेरा फोटो यहाँ पे सेंड होगा ना गाइस मैं यहाँ से लाइट रूम को ओपन कर लूँगा। सो गाइस अभी मेरा मतलब भाई फोटो सेंड नहीं हुआ। एंड गाइस मैं फिर से मतलब भाई करता हूँ सेंड लाइट रूम में। तो गाइस मेरा फोटो यहाँ से जैसे भाई लाइट रूम में सेंड होगा ना तो मैं भाई यहाँ से क्लिक करूँगा लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन में। सो गाइस मैं यहाँ से करता हूँ कट। एंड गाइस कट करने के बाद मैं जाता हूँ भाई लाइट रूम में। सो गाइस लाइट रूम में मुझे आने के बाद मैं भाई लाइट रूम में आता हूँ। एंड गाइस लाइट रूम में आने के बाद ना भाई जो मेरा फोटो रहेगा भाई यहाँ पे शो होने लगेगा। एंड गाइस मेरा फोटो मतलब भाई यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे मतलब भाई मेरा फोटो आने के बाद आप लोग भाई देख सकते हो मतलब भाई मेरा फोटो यहाँ पे शो कर गया। एंड गाइस मेरा फोटो यहाँ पे शो कर रहा है आप लोग के सामने। सो गाइस यहाँ पे मेरा मतलब भाई फोटो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। गाइस फोटो इसको मतलब भाई इस पर क्लिक करके आप लोग को ना भाई इस पर आप लोग भाई जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ से मतलब भाई आपको जाना है भाई कलर पे। गाइस कलर पे आके ना आपको भाई यहाँ से करना है पूरा प्लस में। गाइस यहाँ से पूरा प्लस में। सो गाइस इतना प्लस होने के बाद हम लोग को भाई यहाँ से पूरा प्लस में कर। गाइस पूरा प्लस में होने के बाद आप लोग भाई देख सकते हो मैं भाई अपने फोटो को मतलब भाई कुछ इस टाइप से मतलब भाई एडिटिंग कर। गाइस यहाँ से करता हूँ डन। सो गाइस इतना होने के बाद आप लोग भाई देख सकते हो मतलब भाई बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस वीडियो भाई पूरा सुनने के लिए भाई थैंक्स थैंक्स थैंक्स। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए बाय।